हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर द हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस मींस एक खुश राजकुमार, एक प्रसन्न राजकुमार। तो ये जो चैप्टर है वो ऑस्कर वाइल्ड का लिखा हुआ है और उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से एक हमेशा खुश रहने वाला एक राजकुमार था जिसकी खुश रहते हुए डेथ हो गई थी, वो मर गया था और उसका एक बहुत ही सुंदर स्टेचू है वो लगाया हुआ था। तो उसके पास में एक तो वो पूरा गोल्ड से कवर था, उसका जो स्टेचू था वो पूरा गोल्ड से कवर था। उसकी आंखों में ये सफायर्स मतलब जो नीलमणि होती है, नीलम होता है, उसकी आंखों में नीलम ऐसे नीलम थे। और उसकी तलवार जो थी, उसकी तलवार को पकड़ने का जो स्थान होता है हाथ, जिससे हम हाथ से तलवार को पकड़ते हैं, वो उसमें एक रूबी थी। तो इस प्रकार से वो पूरा का पूरा एकदम ऑर्नामेंटल था वो स्टेचू, और वो दूसरों का दुख देख करके खुद दुखी होता था। तो एक दिन एक अबाबिल जो चिड़िया होती है स्वेलो, वो वहां पे आती है और उसको वो जो स्टेचू है वो उसको बोलता है कि इस राज्य के अंदर, मेरा जो राज्य है इसमें बहुत से दुखी लोग हैं, तो तुम उनकी हेल्प करो। तो इस तरीके से वो अपना पूरा तो गोल्ड कवर है वो दे देता है, अपनी जो आंखों में जो फायर्स है वो भी दे देता है, और उसकी जो जो रूबी है, उसकी तलवार जो पकड़ने का स्थान है, तो वो भी उसको दे देता है। सारी चीजें दे करके वो लोगों की हेल्प करने की कोशिश है वो करता है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। हाई अबव द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम स्टूड द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। कि हाई अबव द सिटी मतलब सिटी के एक भाग में, सिटी का एक जो हाई भाग है, उच्च भाग है, वहां पे क्या है, ऑन अ टॉल कॉलम, एक टॉल कॉलम पर, एक ऊंचे लंबे एक कॉलम होता है स्तंभ, तो सिटी के एक भाग में एक लंबे स्तंभ पर स्टूड यानी खड़ा था द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। कि हैप्पी जो प्रिंस है उसका, उसकी जो स्टेचू है, उसकी जो मूर्ति है वो वहां पे स्थापित थी। तो सिटी के एक भाग में, एक उच्च भाग में, एक लंबे स्तंभ पर हैप्पी प्रिंस का जो स्टेचू है, मूर्ति है, वो वहां पे स्थापित थी। ही वॉज ग्लाइडेड ऑल ओवर विद थिन लेयर्स ऑफ फाइन गोल्ड फॉर आइज ही हैड टू ब्राइट सफायर्स एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट। तो उसके बारे में बताया कि कैसे वो सुसज्जित था, कि ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विद थिन लेयर्स ऑफ फाइन गोल्ड। कि जो फाइन गोल्ड मतलब जो एक पतला जो गोल्ड है, सोना है, उस सोने की फाइन गोल्ड मतलब शुद्ध सोना हम बोल सकते हैं, कि शुद्ध सोने की जो थिन लेयर्स है मतलब पतली जो पत्थर है उससे वो सुशोभित था, उससे वो ढका हुआ था, उसका पूरा शरीर है वो शुद्ध सोने की पतली परत से उसका शरीर है वो कवर था, ढका हुआ था, सुसज्जित था। फोर आईज, और उसकी आंखों की अगर बात करें तो ही है टू ब्राइट सफायर्स, तो उसकी दोनों आंखों में दो जो ब्राइट यानी चमकती हुई सफायर्स थी, नीलमणि थी, एंड अ लार्ज रेड रूबी, और एक बड़ी लाल रूबी थी, कहाँ पे ग्लोड वो चमक रही थी, ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट। हिल्ट मतलब जो तलवार पकड़ने का जो स्थान होता है, जैसे देखो यहाँ पे राजा के ये दिखा रखा है, ये जो जगह है इसको बोलते हैं हिल्ट। तो ये जो स्वॉर्ड हिल्ट थी वहां पे, एक यहाँ पे एक रूबी भी थी इस स्वॉर्ड हिल्ट पे। तो इसमें बताया है कि लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट, और उसकी जो स्वॉर्ड हिल्ट थी, तलवार पकड़ने का जो स्थान था, वहां पर एक बड़ी सी लाल मणि जो थी, लाल रंग की जो रूबी थी, वो ग्लोड यानी चमक रही थी। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो। वन नाइट, एक रात्रि को, देयर फ्लू ओवर मतलब वहां ऊपर है वो उड़ा द सिटी, उस सिटी के ऊपर, अ लिटिल स्वेलो, तो एक जो लिटिल स्वेलो है, एक जो छोटा स्वेलो यानी जो अबाबिल जो चिड़िया है, वो एक रात्रि को सिटी के ऊपर से उड़ा, उड़ करके वहां पे आया या उड़ा। हिज फ्रेंड्स हैड गोन अवे टू इजिप्ट सिक्स वीक्स बिफोर बट ही हैड स्टेड बिहाइंड। कि हिज फ्रेंड्स, उसके जो फ्रेंड्स थे वो हैड गोन अवे, वो चले गए थे टू इजिप्ट, इजिप्ट चले गए थे, मिस्र चले गए थे, सिक्स वीक्स बिफोर, कि छह सप्ताह पहले उसके फ्रेंड है वो इजिप्ट चले गए थे, मिस्र चले गए थे, बट लेकिन ही हैड स्टेड बिहाइंड, वो पीछे रह गया था, उसको रुकना पड़ गया था। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू, देन फिर ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया टू गो टू इजिप्ट टू, कि उसने भी इजिप्ट जाने का डिसाइड किया, निश्चय किया। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी। कि ऑल डे लॉन्ग मतलब पूरे दिन ही फ्लू, वो उड़ता रहा, एंड एट नाइट, और रात्रि के समय, एट नाइट टाइम रात्रि के समय ही अराइव्ड एट द सिटी, वो सिटी में पहुंचा, उस नगर में पहुंचा जहां पे ये स्टेचू है वो लगी हुई थी। अब वो अपने आप से बात करता है स्वेलो की, वेयर शेल आई पुट अप मतलब मैं कहाँ पे रहूंगा। ही सैड, उसने कहा मैं कहाँ रहूंगा। आई होप द टाउन हैड मेड प्रिपरेशन, कि आई होप, मैं आशा करता हूँ, द टाउन हैज मेड प्रिपरेशन, कि ये जो टाउन है, इस ये जो नगर है, ये जो सिटी है, इसने प्रिपरेशन, तैयारियां है वो कर ली है, प्रिपरेशन होती है तैयारियां।
तो वो बोलता है कि वेयर शैल आई पुट अप, मैं कहाँ पे ठहरूंगा, कहाँ पे रहूंगा। ही सैड, उसने कहा, आई होप, मैं आशा करता हूँ द टाउन हैज मेड प्रिपरेशन, कि इस टाउन ने, नगर ने तैयारियां कर ली है। देन ही सा द स्टेच्यू ऑन द टाल कॉलम, फिर क्या हुआ, ही सा, उसने देखा द स्टेच्यू ऑन द टाल कॉलम, कि एक लंबे कॉलम पे, स्तंभ पे उसने स्टेच्यू है वो देखा, मूर्ति देखी। आई विल पुट देयर, अब वो बोलता है कि आई विल पुट देयर, ही क्राइड, वो क्राइड मतलब वो चीखा, वो बोला कि आई विल पुट देयर, मैं वहां रह लूंगा, उस जो टाल कॉलम है वहां पे मैं रह लूंगा। इट इज ए फाइन पोजिशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, कि इट इज ए फाइन पोजिशन, की बहुत अच्छी पोजिशन है, मतलब बहुत अच्छा स्थान है, विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, मतलब अच्छी खासी ताजी हवा के साथ में, प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर मतलब फ्रेश एयर होता है, ताजी हवा, प्लेंटी मतलब खूब सारी, तो खूब सारी ताजी हवा के साथ में, या अच्छी खासी ताजी हवा के साथ में एक अच्छा स्थान है। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, सो ही अलाइटेड, अलाइटेड मतलब नीचे उतरना, तो वो नीचे उतर के आया जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, की जो हैप्पी प्रिंस था उसके पैरों के जस्ट बीच में, एकदम बीच में वो उड़ करके नीचे आया। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड राउंड, कि आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, कि मेरा जो बेडरूम है वो गोल्डन बेडरूम है, एक सुनहरा बेडरूम है, तो खुद का वो जो जहां पे वो सो रहा है उसके लिए बता रहा है कि मेरा मेरे पास एक सुनहरा बेडरूम है, सैनकक्स है। ही सेड, उसने कहा, सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, एकदम धीरे से अपने से खुद से उसने कहा कि मेरा जो बेडरूम है वो गोल्डन है, सुनहरा है। एज ही लुक डाउन, जैसे उसने चारों तरफ देखा उसको, क्योंकि उस राजकुमार के पूरे के ऊपर जो गोल्ड की परत है वो लगी हुई थी। एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और वो सोने की तैयारी करने लगा। प्रिपेयर यानी तैयारी करना, टू गो टू स्लीप सोने जाने की वो तैयारी करने लगा। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग, ए लार्ज ड्रॉप ऑफ वॉटर फेल ऑन हिम, बट जस्ट लेकिन जैसे ही, बट जस्ट एज लेकिन जैसे ही वॉज पुटिंग, वो रख रहा था हिज हेड अपना सर अंडर हिज विंग, कि अपने पंखों के नीचे जैसे ही वो अपना हेड अपना सर रखने ही वाला था, ए लार्ज ड्रॉप ऑफ वॉटर फेल ऑन हिम, उसके ऊपर एक बड़ी सी पानी की बूंद है वो गिरी। ड्रॉप यानी बूंद, किसकी, पानी की बूंद, फेल यानी गिरी ऑन हिम, उसके ऊपर। व्हाट ए क्यूरियस थिंग, कि कितनी क्यूरियस चीज है ये, कितनी मतलब विचित्र बात है। क्यूरियस थिंग, क्यूरियस वैसे उत्सुक होता है लेकिन विचित्र भी होता है, तो व्हाट ए क्यूरियस थिंग, कि कितनी विचित्र बात है। ही क्राइड, वो बोला, देयर इज नॉट ए सिंगल क्लाउड इन द स्काई, द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, एंड येट इट इज रेनिंग, कि देयर इज नॉट ए सिंगल क्लाउड इन द स्काई, कि स्काई के अंदर, आसमान के अंदर एक सिंगल बादल भी नहीं है, मतलब बिल्कुल भी बादल नहीं है, बादल का एक टुकड़ा भी नहीं है आकाश में। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर, और जो स्टार्स है, तारे हैं, वो भी एकदम क्लियर है, एकदम साफ चमकदार है। एंड ब्राइट, ब्राइट मतलब चमकीले हैं तारे भी। एंड येट इट इज रेनिंग, और फिर भी बारिश हो रही है, मतलब कितनी विचित्र बात है ये। देन अनदर ड्रॉप फेल, फिर दूसरी ड्रॉप गिरी, दूसरी जो बूंद थी वो गिरी। व्हाट इज द यूज ऑफ ए स्टेच्यू इफ इट कैन नॉट हेल्प द रेन ऑफ, कि व्हाट इज द यूज ऑफ ए स्टेच्यू, कि स्टेच्यू का क्या यूज है, इस जो मूर्ति है, इस स्तंभ का, इस मूर्ति का क्या यूज है, क्या फायदा है। इफ यदि इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, यदि ये बारिश से न बचा सके, रेन ऑफ मतलब कैन नॉट कीप द रेन ऑफ यानी बारिश से बचाना, कि यदि ये बारिश से नहीं बचा सकती तो इस स्टेचू का क्या यूज है, इस मूर्ति का क्या उपयोग है। ही सैड, उसने कहा, आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पोट, कि मुझे एक अच्छे चिमनी पोट की तलाश, लुक फॉर होता है तलाशना, कि मुझे एक अच्छे चिमनी पोट को, मतलब एक अच्छा जो चिमनी का जो ऊपरी भाग होता है, पोट मतलब एक ऊपर का भाग, चिमनी के ऊपरी भाग को मुझे तलाश करना होगा, लुक फॉर होता है तलाशना। एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, और उसने उड़ने का डिसाइड किया, डिटरमाइंड होता है दृढ़ निश्चय करना, उसने उड़ जाने का दृढ़ निश्चय किया। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स, अ थर्ड ड्रॉप फेल एंड ही लुक्ड अप एंड सा, व्हाट डिड ही सी, बट बिफोर लेकिन जिससे पहले कि ही हैड ओपन हिज विंग, कि अपने पंखों को वो खोलता, उससे पहले ही अ थर्ड ड्रॉप फेल, तीसरी जो बूंद थी वो गिरी, उसके जो पंख है उनको ओपन यानी खोलने से, बिफोर यानी पहले ही, कि उसके पंख है वो उसको खोलने से पहले ही तीसरी बूंद उसके ऊपर गिरी। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, एंड सा, और उसने देखा, क्या देखा, अरे व्हाट डिड ही सी, कि उसने कैसा दृश्य देखा, देखो एक्सक्लेमेटरी के साथ में क्वेश्चन मार्क है, कि उसने कैसा दृश्य देखा, एक अद्भुत दृश्य उसको दिखाई दिया है क्या। द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स, कि जो हैप्पी प्रिंस की जो आंखें थी वो क्या थी, टीयर्स से भरी हुई थी, आंसू से भरी हुई थी। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स, और जो टीयर्स थे, जो आंसू थे, वर रनिंग डाउन, वो नीचे बह रहे थे, हिज गोल्डन चिक्स, कि उसके सुनहरे गालों से नीचे है वो आंसू बह रहे थे। हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मून लाइट दैट द लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड विद पिटी,
हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मूनलाइट, की मूनलाइट के अंदर यानी चांद की रोशनी के अंदर उसका चेहरा है वो इतना ब्यूटीफुल था, इतना सुंदर था कि जो लिटिल स्वेलो था, जो छोटा अबाबिल का जो पक्षी था, अबाबिल पक्षी था, वो दया से फील हो गया, भर गया था। पिटी होती है दया, फील यानी भर जाना, तो वो दया से भर गया था। तो उसने बोला कि हु आर यू, अबाबिल ने पूछा हु आर यू, तो उसने ही सैड, उसने कहा हु आर यू, तुम कौन हो। आई एम द हैप्पी प्रिंस, तो हैप्पी प्रिंस ने उत्तर दिया कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। Why are you weeping then? कि फिर तुम क्यों रो रहे हो, जब तुम हैप्पी प्रिंस हो तो तुम रो क्यों रहे हो। Asked the swallow, swallow ने पूछा, उस अबाबिल ने पूछा, You have quite drenched me, कि you have quite, तुमने बिल्कुल ही drenched यानी भिगो देना, कि तुमने तो मुझे एकदम से भिगो दिया। When I was alive and had a human heart, answered the statue, statue ने उत्तर दिया कि when I was alive, जब मैं alive था, जब मैं जीवित था, and had a human heart, और जब मेरे अंदर एक human heart था, जब मेरे अंदर एक मानवीय हृदय था, I did not know what tears were. I did not know, मैं नहीं जानता था कि what tears were, आंसू क्या थे, ऐसा मैं नहीं जानता था। For क्योंकि I lived in the palace, मैं पैलेस में रहता था, महल में रहता था, where sorrow is not allowed to enter, जहाँ पे sorrow यानी दुख है वो allow नहीं होते थे to enter, प्रवेश करने के लिए, मतलब जहाँ पे दुखों को प्रवेश नहीं दिया जाता था, दुखों को enter है वो नहीं होता था उस महल के अंदर, तो मैं महल में रहता था। My courtiers called me the happy prince and happy indeed I was. My courtiers, कि मेरे जो courtiers थे, मेरे जो दरबारी थे, वो called me the happy prince, वो मुझे happy prince कहते थे, एक प्रसन्न राजकुमार कहते थे, and happy indeed, और वास्तव में happy I was, मैं happy भी था, मैं खुश था, हमेशा खुश रहने वाला था, तो मुझे happy बोलते थे। So I lived and so I died, तो ये बताता है कि so I lived, मैं इसी प्रकार से रहा था, and so I died, और मैं ऐसे ही मर गया। एंड नाउ और अब दैट की, और अब जबकि आई एम डेड, मैं मर गया हूँ, दे हैव सेट मी अप हेयर सो हाई दैट आई कैन सी द अग्लीनेस एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी, एंड दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लीड, येट आई कैन नॉट चूज बट वी। तो ये बोल रहा है कि सो आई लीड, मैं ऐसे ही रहा और ऐसे ही मैं मर गया, मतलब इसी प्रकार से रहा था मैं, ऐसे मेरी मृत्यु हो गई हैप्पी रहते हुए। एंड नाउ और अब दैट आई एम डेड, जब मैं मर गया हूँ, मेरी मृत्यु हो चुकी है, दे हैव सेट मी अप, उन्होंने मुझे ऊपर सेट कर दिया है, इतनी ऊंचाई पे रख दिया है, यहाँ पे सो हाई एकदम ऊपर, कि मुझे इतना ऊंचा यहाँ पे मुझे सेट कर दिया है, रख दिया है, दैट की आई कैन सी द अग्लीनेस, कि मैं उस अग्लीनेस को देख सकता हूँ, भद्देपन को देख सकता हूँ, एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी, की मेरी सिटी की सभी जो मिजरी है, दुख दर्द है, उसको और भद्देपन को मैं देख सकता हूँ, कुरूपता को मैं देख सकता हूँ, इतना ऊंचा उन्होंने मुझे सेट कर दिया। एंड दो माई हर्ट इज मेड ऑफ लीड, एंड दो, और यद्यपि मेरा जो हर्ट है, मेरा जो हृदय है, वो लीड का बना हुआ है, मतलब लीड यानी जो सीसा धातु होता है उसका बना हुआ है, येट फिर भी आई कैन नॉट चूज, कि मैं कुछ आई कैन नॉट चूज बट वी, मतलब मैं रोने के अलावा कुछ भी चूज नहीं कर सकता, मैं रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा हृदय है वो लीड का बना हुआ है, सीसे का बना हुआ है। अब वो बोलता है वॉट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, तो वो पूछता है कि उसके हृदय के बारे में कि वॉट क्या इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, कि ये सॉलिड गोल्ड का नहीं है, ठोस सोने का नहीं है। सेड द स्वैलो टू हिमसेल्फ, उस स्वैलो ने, उस अबाबिल ने अपने आप से कहा, ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क, कि ही वॉज टू पोलाइट, वो इतना पोलाइट था, इतना विनम्रशील था, कौन जो स्वैलो था वो इतना विनम्रशील था, टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क, कि वो कोई पर्सनल रिमार्क है वो नहीं कर सकता था। टू टू का यूज नेगेटिव सेंस में होता है, फर्स्ट टू है वो पॉजिटिव सेंस दिखाता है, जो सेकंड टू होता है वो नेगेटिविटी दिखाता है। तो ही वॉज टू पोलाइट, वो इतना पोलाइट था, इतना विनम्रशील था, कि वो किसी पर्सनल रिमार्क को उसने नहीं किया, उसने कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी है वो उसने नहीं करी। फार अवे कंटिन्यू द स्टेच्यू इन ए लो म्यूजिकल वॉइस, फार अवे इन ए लिटिल स्ट्रीट देयर इज ए पुअर हाउस, कि फा अवे मतलब बहुत दूर, कंटिन्यू द स्टेचू, उस स्टेचू ने कंटिन्यू मतलब लगातार कहना उसने जारी रखा, इन ए लो म्यूजिकल वॉइस, कि एक धीमी मधुर आवाज के साथ उस मूर्ति ने, उस स्टेचू ने कंटिन्यू मतलब अपनी बात कहना जारी रखा, कि बहुत दूर, फार अवे वापस से बहुत दूर, इन ए लिटिल स्ट्रीट, कि एक छोटी सी गली में, बहुत दूर एक छोटी सी गली में, देयर इज ए पुअर हाउस, वहां एक गरीब का घर है, वन ऑफ द विंडोज इज ओपन, कि उन विंडोज में से मतलब खिड़कियों में से एक खिड़की है वो खुली है, एंड थ्रू इट आई कैन सी ए वुमेन सीटेड एट अ टेबल, एंड थ्रू इट, और इसके माध्यम से मतलब उस खिड़की के माध्यम से आई कैन सी ए वुमेन, मैं एक वुमेन को देख सकता हूँ, सीटेड एट अ टेबल, कि एक टेबल पे बैठी हुई महिला को मैं देख सकता हूँ, हर फेस इज थिन एंड वोन, उसका फेस है वो थिन मतलब एकदम पतला सा है, एंड वोन वोन मतलब सिकुड़ा हुआ सा है उसका चेहरा, एंड सी हैज कोर्स रेड हैंड,
ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल कि शी हैज उसके जो हाथों के बारे में बता रहे हैं कि शी हैज कोर्स कोर्स मतलब एकदम खुरदरे से रेड यानी लाल हैंड्स यानी हाथ कि उसके हाथ वो एकदम खुरदरे और लाल हैं ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल और नीडल के द्वारा सुई के द्वारा वो क्या है प्रिक्ड है बिंधे हुए हैं मतलब हर जगह सुई की चुभन उसके हाथों पे आई हुई है सुई से बिंधे हुए हैं फोर सी इज ए सीमस्ट्रेस फोर क्योंकि शी इज ए सीमस्ट्रेस वो एक सीमस्ट्रेस है वो एक दर्जिन है दर्जी का जो काम किया जाता है वो दर्जिन है सी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन ए साटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल तो वो बता रही है कि सी इज एम्ब्रॉयडरिंग वो कढ़ाई कर रही है फ्लावर्स यानी फूलों की कढ़ाई वो कर रही है ऑन अ साटिन गाउन एक साटिन गाउन पे साटिन का जो वस्त्र होता है उस गाउन के ऊपर साटिन के गाउन के ऊपर वो एक फूलों की कढ़ाई कर रही है किसके लिए फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर मेड्स यानी नौकरानी की एक सामान्य महारानी की एक प्यारी सी एक नौकरानी के लिए वो साटिन के गाउन के ऊपर फूलों की एम्ब्रॉयडरी कर रही है रानी की जो मेड है जो नौकरानी है सर्वेंट है उसके लिए टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट वाल टू वियर पहनने के लिए कहाँ पे नेक्स्ट कोर्ट वाल की अगले जो कोर्ट यानी शाही जो बोल बोल नृत्य होता है बोल डांस जिसको बोलते हैं शाही नृत्य में कि अगले शाही नृत्य में पहनने के लिए वो सामान्य महारानी की लवलीस्ट नौकरानी के लिए परिचारिका के लिए वो साटिन गाउन के ऊपर फूलों की एम्ब्रॉयडरी कर रही है कढ़ाई कर रही है इन ए बेड इन ए कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल कि इन ए बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम की कमरे के कोने में एक बिस्तर के ऊपर उसका जो छोटा बॉय है जो छोटा लड़का है इज लाइंग इल वो बीमार पड़ा है कहाँ भी कमरे के कोने के बेड के ऊपर उसका छोटा लड़का है वो बीमार पड़ा है ही हैज ए फीवर उसको फीवर है बुखार है एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ओरेंजेज एंड इज आस्किंग हिज मदर और अपनी मदर से आस्किंग यानी मांग कर रहा है टू गिव हिम ओरेंजेज ऑरेंज देने की कि वो अपनी मदर से संतरे की मांग कर रहा है हिज मदर हैज नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वॉटर सो ही वॉज क्राइंग कि हिज मदर हैज नथिंग कि उसकी मदर के पास कुछ नहीं है टू गिव हिम उसको देने के लिए बट रिवर वॉटर नदी का पानी कि नदी का पानी देने के अलावा उसकी मदर के पास कुछ भी नहीं है सो ही इज क्राइंग इसलिए वो रो रहा है स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ड कि अबाबिल छोटे अबाबिल विल यू नॉट ब्रिंग हर क्या तुम उसके लिए नहीं ले जाओगे द रूबी को आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ड की मेरी उस तलवार के ऊपर जो रूबी है क्या उसको तुम उसके लिए नहीं लेके जाओगे तुम उसको वो लालमणि है वो नहीं पहुंचा दोगे माई फीट आर फास्टन टू द पेडेस्टल एंड आई कैनोट मूव कि माई फीट मेरे जो पैर है वो फास्टन यानी बंधे हुए हैं टू दिस पेडेस्टल इस पेडेस्टल से मेरी टांगे हैं वो इस पेडेस्टल से इस स्तंभ से मेरे पैर है वो बंधे हुए हैं एंड आई कैनोट मूव और मैं मूव नहीं कर सकता मैं हिल नहीं सकता आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सैर द स्वेलो स्वेलो ने कहा उस अबाबिल ने कहा कि आई एम वेटेड मेरा वेट किया जा रहा है फॉर इन इजिप्ट की इजिप्ट में मेरा वेट किया जा रहा है मिश्र में मेरी प्रतीक्षा की जा रही है उस अबाबिल ने कहा माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स कि माई फ्रेंड्स मेरे जो फ्रेंड्स हैं आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील कि वो नील नदी जो है मिश्र के अंदर जो नील नदी है उसके ऊपर मेरे फ्रेंड है वो उड़ रहे हैं एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर और जो बड़े बड़े लोटस फ्लावर है जो कमल के फूल हैं उनसे वो टॉकिंग यानी बात कर रहे हैं सून दे विल गो टू स्लीप सून यानी शीघ्र ही दे विल गो टू स्लीप वो सोने के लिए चले जाएंगे मेरे जो फ्रेंड है वो शीघ्र ही सोने के लिए चले जाएंगे द प्रिंस आज द स्वेलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर अब जो प्रिंस है जो राजकुमार है वो आज द स्वेलो उसने स्वेलो से कहा टू स्टे विद हिम उसके पास स्टे यानी रहने के लिए फॉर वन नाइट एक रात्रि एंड बी हिज मैसेंजर उसका मैसेंजर बनने के लिए कहा तो प्रिंस ने उस पक्षी को उस अबाबिल को एक रात उसके साथ रहने के लिए कहा और उसके मैसेंजर बनने के लिए कहा संदेशवाहक बनने के लिए कहा द बॉय इज सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड ही सैड उसने कहा किसने उस स्टेचू ने कहा कि द बॉय इज सो थर्स्टी जो बच्चा है जो बालक है वो इतना थर्स्टी है वो बहुत थर्स्टी है एंड द मदर सो सैड उसकी मदर है वो बहुत सैड है दुखी है उसने बताया उसको I don't think I like boys जो स्वेलो है वो बोलता है आंसर द स्वेलो स्वेलो ने आंसर दिया उत्तर दिया कि I don't think मैं नहीं सोचता कि I like boys मुझे लड़के पसंद है मुझे बालक पसंद है ऐसा मैं नहीं सोचता ना मुझे बालक पसंद ही नहीं है आंसर द स्वेलो स्वेलो ने उत्तर दिया I want to go to Egypt कि I want मैं चाहता हूँ to go to Egypt मैं इजिप्ट जाना चाहता हूँ मैं मिश्र जाना चाहता हूँ बट द हैप्पी प्रिंस लुक सो सैड दैट द लिटिल स्वेलो वॉज सॉरी बट लेकिन द हैप्पी प्रिंस जो हैप्पी प्रिंस था वो लुक सो सैड
वो इतना दुखी दिखाई दिया दैट की द लिटिल स्वेलो वॉज सॉरी, वो जो लिटिल स्वेलो था, जो छोटा अभिबल था, वो भी सॉरी हो गया, वो भी दुखी हो गया। तो वो बता रहा है कि उससे हैप्पी प्रिंस वो इतना दुखी दिखाई दिया कि लिटिल स्वेलो है वो भी दुखी था। इट इज वेरी कोल्ड हेयर ही सैड, उसने कहा कि यहाँ पे बहुत ठंड है, कोल्ड है, मतलब क्योंकि ठंड का टाइम आ रहा था तो बोलता है कि यहाँ पे बहुत ठंड है। बट ही एग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, बट लेकिन ही एग्रीड, वो एग्री हो गया, सहमत हो गया टू स्टे विद हिम, उसके साथ रहने के लिए, फॉर वन नाइट, कि एक रात्रि उसके साथ रहने के लिए वो सहमत हो गया, एंड बी हिज मैसेंजर, उसका मैसेंजर बनने के लिए भी वो सहमत हो गया। अब वो जो प्रिंस है वो बोलता है थैंक यू लिटिल स्वेलो, कि धन्यवाद छोटे स्वेलो अबाबिल, सैड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा। द स्वेलो पिक आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ ऑफ द टाउन। द स्वेलो पिक्ड आउट यानी निकालना, उस अबाबिल ने निकाल लिया द ग्रेट रूबी, उस बड़ी रूबी को, फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड, कि राजकुमार की तलवार से उस बड़ी सी रूबी को स्वेलो ने, उस अबाबिल ने निकाल लिया। एंड फ्लू अवे, और वो उड़ गया विद इट, उसके साथ में, उस रूबी के साथ में, इन हिज बीक, बीक यानी चोंच में डालकर, ओवर द रूफ, छतों के ऊपर से, ऑफ द टाउन, टाउन की, कि उस टाउन के, उस नगर की छतों के ऊपर से अपनी चोंच में इसको लिए हुए वो उड़ गया, उस रूबी को अपनी चोंच में डाल करके वो उड़ गया। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर वेयर द व्हाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड, कि ही पास्ड बाय, वो गुजरा किसके पास से, जो कैथेड्रल, जो टावर था, यानी चर्च की जो मीनार थी, जो कैथेड्रल है, कैथेड्रल का मीन्स होता है जो चर्च या गिरजाघर, तो एक ही बात है, चर्च बोलो या गिरजाघर, कि उसकी जो टावर था, उसकी जो मीनार थी, उसके पास से वो गुजरा, वेयर, जहां पे द व्हाइट मार्बल एंजल, जहां पे उस सफेद मार्बल के ऊपर एंजल्स वर स्कल्पचर, एंजल्स यानी जो देवगण है वो स्कल्पचर, मतलब वो गुदे हुए थे, मतलब देवगणों की, एंजल्स की जो प्रतिमा है वो वहां पे लगाई हुई थी उस व्हाइट मार्बल पे। ही पास्ड बाय द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, वो महल के पास से गुजरा और उसने डांस का जो साउंड था, नृत्य का साउंड था, वो उसने सुना। ए ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विद हर लवर, ए ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की है, वो केम आउट, आई ऑन द बालकनी, बालकनी में आई, विद हर लवर, अपने लवर के साथ, अपने प्रेमी के साथ वो बाहर बालकनी में आई। अब वो बोलते हैं कि आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, शी सैड, उसने कहा कि आई होप, मैं आशा करती हूँ कि मेरी जो ड्रेस है विल बी रेडी, वो रेडी हो जाएगी इन टाइम, एकदम समय पे, फॉर द स्टेट बॉल, कि स्टेट बॉल के लिए, शाही नृत्य के लिए समय पर मेरी ड्रेस है वो रेडी हो जाएगी। आई ही सी सैड, उसने कहा आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट बट द सीम्स ड्रेसेज आर सो लेजी, वो क्या बोलती आगे कि आई हैव ऑर्डर्ड, मैंने ऑर्डर दिया है फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, कि उसके ऊपर फ्लावर्स को, फूलों को एम्ब्रॉयडरी करने का ऑर्डर मैंने दिया है, फूलों की कढ़ाई करने का ऑर्डर मैंने दिया है, बट लेकिन द सीम्स ड्रेसेज आर सो लेजी, लेकिन जो सीम्स ड्रेसेज है, जो दर्जनी है, वो बहुत ही लेजी है, आलसी है। ही पास्ड ओवर द रिवर, वो रिवर के ऊपर से गुजरा, नदी के ऊपर से गुजरा एंड सा द लैंटर्न द शिप एंड सा, और उसने देखा लैंटर्न, लालटेन को हैंगिंग यानी लटकते हुए, ऑन द मास्ट, मास्ट यानी जो मस्तूल है, ऑफ द शिप, शिप्स यानी जहाज, तो जहाज की मस्तूलों के ऊपर उसने लालटेन को लटकते हुए देखा। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस एंड लुक्ड इन, एट लास्ट, और अंत में ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस, वो उस गरीब महिला के घर में आया, लास्ट में वो गरीब महिला के घर में आया, लुक्ड इन, और उसके अंदर झांका उसने। द बॉय वॉज टॉसिंग फेवर्सली ऑन हिज बेड एंड द मदर हैड फॉलन स्लीप, शी वॉज सो टायर्ड। द बॉय वॉज टॉसिंग, जो लड़का था वो टॉसिंग यानी करवट बदल रहा था, फेवर्सली ऑन हिज बेड, की अपने बिस्तर पर, फेवर्सली यानी बेचैन होता हुआ, कि बिस्तर पे बेचैन होता हुआ वो लड़का है वो टॉसिंग कर रहा था, करवट बदल रहा था। एंड द मदर हैड फॉलन स्लीप, और उसकी मदर है वो सो गई थी, शी वॉज सो टायर्ड, वो बहुत थकी हुई थी। इन ही होप्ड एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स थिम्बर। इन ही होप्ड, मतलब ही होप्ड इन, होप्ड होता है फुदकना, कि वो फुदकता हुआ अंदर गया, वो अंदर फुदका। एंड लेड, लेड यानी रखा द ग्रेट रूबी, उस ग्रेट रूबी को, बड़ी रूबी को, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल, उस महिला की जो थिम्बल, थिम्बल मतलब जो उंगलियों में डालने वाली जो केप होती है, जो सुई वगैरह जो हाथ में लेते हैं, जो सुई का काम करते रहते हैं, वो उंगलियों में एक केप डाल लेते हैं जिससे थोड़ी सी सुई कम चुभती है, तो उसको बोलते हैं थिम्बल। तो इन ही होप्ड कि वो अंदर फुदका एंड उसने उस टेबल के ऊपर ग्रेट रूबी को रखा, महिला के थिम्बल के बेसाइड, मतलब महिला की उस उंगलियों में डालने वाले केप के बगल में टेबल पर उसने ग्रेट रूबी को, उस बड़ी रूबी को रखा। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड फेलिंग द बॉयज फॉरहेड विद हिज विंग्स,
देन फिर ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, वो बिस्तर के राउंड मतलब ऊपर से वो जेंटली यानी एकदम धीरे से वो उड़ा, मतलब उसके बाद में उसने जो बिस्तर था जहां पे लड़का सोया हुआ था उसके ऊपर से वो उड़ा वहां पे। तो उसके बाद में फैनिंग मतलब उसने हवा दी द बॉयज फोरहेड, उस लड़के के फोरहेड पे सर पे विद हिज विंग्स, अपने विंग्स से अपने पंखों से उसने बालक के उस लड़के के फोरहेड पे माथे पे उसने फैनिंग करी, हवा करी। हाउ कूल आई फील सैड द बॉय, उस लड़के ने कहा कि हाउ कूल आई फील, कि मैं कितनी ठंडक है वो फील कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, कि मैं ठीक हो रहा हूँ। एंड ही सैंक इन टू ए डिलीशियस स्लम्बर, स्लम्बर यानी नींद, डिलीशियस यानी एकदम मधुर, सैंक होता है डूब जाना। ही सैंक इन टू, वो डूब गया डिलीशियस स्लम्बर मतलब एकदम मधुर नींद में वो डूब गया, उसको नींद आ गई। देन द स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस एंड टोल्ड हिम वॉट ही हैड डन। देन फिर द स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, वो जो स्वेलो था अबाबिल था वो हैप्पी प्रिंस के पास वापस उड़कर गया। एंड टोल्ड हिम, और उसको बताया वॉट ही हैड डन, उसने जो काम किया था वो उसको बताया। इट इज क्यूरियस ही रिमार्क, उसने रिमार्क करी, उसने टिप्पणी कही कि इट इज क्यूरियस, ये विचित्र बात है। बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज सो कोल्ड, बट लेकिन आई फील क्वाइट वार्म, कि मैं वार्म फील कर रहा हूँ, गर्माहट फील कर रहा हूँ नाउ यानी अब, क्या मैं गर्माहट फील कर रहा हूँ ऑल्दो, यद्यपि इट इज सो कोल्ड, कि यद्यपि ठंड है लेकिन फिर भी मैं गर्माहट को फील कर रहा हूँ, उसने रिमार्क करी, ये टिप्पणी करी। अब वो हैप्पी प्रिंस बोलता है कि दैट इज बिकॉज यू हैव डन ए गुड एक्शन, दैट इज बिकॉज, कि ऐसा इसलिए है कि यू हैव डन ए गुड एक्शन, तुमने एक अच्छा काम किया है, सैड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा। एंड द लिटिल स्वेलो बिगन टू थिंक एंड देन फॉल एस्लीप, एंड द लिटिल स्वेलो, और उस छोटे स्वेलो ने बिगन टू थिंक, सोचना शुरू किया, एंड देन फॉल एस्लीप, और फिर वो सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, कि जो थिंकिंग है, जो सोचने का काम है, उससे हमेशा उसको नींद आती है, हमेशा जो सोचने का काम है उसको स्लीपी बना देता है, उससे नींद आ जाती है उसको। When day broke, he flew down to the river and had a bath. कि when day broke, जब दिन निकला, he flew down to the river, वो river पे गया, वो नदी पर गया, and had a bath, और उसने बात किया, स्नान किया। Tonight I go to Egypt, said the swallow. Swallow ने कहा कि tonight, आज रात्रि को, I go to Egypt, मैं Egypt जाऊंगा, मैं मिस्र जाऊंगा। He was in high spirit at the prospect, कि he was in high spirit, वो एकदम हाई स्प्रिट में था, एकदम हाई अपनी जो भावना के साथ में था, प्रोस्पेक्ट यानी संभावना, कि वो संभावनाओं की उस हाई स्प्रिट में एक उच्च भावना के साथ वो था, मतलब वो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ था इस बात को लेकर के कि मैं आज रात्रि को वहां पे इजिप्ट जाऊंगा। ही विजिटेड ऑल द मोन्यूमेंट्स एंड सैट अ लॉन्ग टाइम ऑन टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल, ही विजिटेड ऑल द मोन्यूमेंट, उसने सभी मोन्यूमेंट जितने भी स्मारक थे उन सबका उसने विजिट किया, भ्रमण किया। एंड सैट ए लॉन्ग टाइम, और लंबे समय तक वो बैठा रहा ऑन द टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल, मतलब चर्च की जो स्टीपल यानी जो मीनार थी, उस मीनार के एकदम टॉप पे, एकदम ऊपर लंबे समय तक वो वहां बैठा रहा। वेन द मून रोज, ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, कि वेन द मून रोज, जब चंद्रमा उदय हुआ, जब चांद निकला, ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, वो हैप्पी प्रिंस के पास वापस उड़ा, मतलब उड़ करके हैप्पी प्रिंस के पास में पहुंचा। Have you any commission for Egypt? He cried, वो बोला कि have you any commission? कि क्या कोई commission है, कोई काम है for Egypt? Egypt के लिए क्या तुम्हें कोई काम है, कोई commission है? या मान लो कि Egypt के लिए क्या तुम मुझसे कोई काम करवाना चाहते हो? He cried, उसने बोला I am just starting, कि मैं बस start करने ही वाला हूँ, मैं बस अब उड़ने ही वाला हूँ, जाने ही वाला हूँ। तो उस राजकुमार ने कहा swallow, swallow, little swallow, कि अबाबिल, अबाबिल, छोटे अबाबिल, सैड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, कि क्या एक रात्रि और तुम मेरे पास रुकोगी? तो वो आंसर देता है आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, कि इजिप्ट में मेरा वेट किया जा रहा है, मिस्र में मेरा वेट किया जा रहा है। आंसर द स्वेलो, स्वेलो ने आंसर दिया। अब वो वापस से प्रिंस बोलता है कि स्वेलो, स्वेलो, लिटिल स्वेलो, कि अबाबिल, अबाबिल, छोटे अबाबिल, सैड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी ए यंग मैन इन ए गैरेट, कि फार अवे अक्रॉस द सिटी मतलब इस सिटी के पार, इस नगर के पार, आई सी इस नगर के पार दूर आई सी मैं देख सकता हूँ यंग मैन, एक युवा आदमी को, इन गैरेट, गैरेट यानी अटारी में बैठे हुए एक युवा आदमी को मैं देख सकता हूँ, शहर से पार दूर मैं एक युवा आदमी को अटारी में बैठे देख सकता हूँ। ही इज लीनिंग ओवर ए डेस्क कवर्ड विद पेपर एंड इन द ग्लास बाई हिज साइड देयर इज ए बंच ऑफ विदर्ड वॉयलेट, की ही इज लीनिंग, लीनिंग यानी झुका हुआ, ओवर ए डेस्क कवर्ड विद पेपर, की कागज से ढके हुए एक डेस्क के ऊपर वो झुका हुआ है। एंड इन द ग्लास, और ग्लास के अंदर बाई हिज साइड मतलब उसकी बगल में जो ग्लास है उस ग्लास में देर इज ए बंच ऑफ विदर्ड वॉयलेट, बंच मतलब एक गुच्छा है, विदर्ड यानी मुरझाए हुए, वॉयलेट यानी जो नीले फूल है, तो उसके बगल में ग्लास के अंदर मुरझाए हुए फूलों का गुच्छा है।
हिज हेयर इज ब्राउन एंड क्रिप्स, उसके बाल है वो ब्राउन है, भूरे हैं एंड क्रिप्स यानी एकदम रुखे हैं, एंड हिज लिप्स आर रेड एज ए पोमेग्रेनेट, और उसके जो लिप्स है होट है वो लाल है जैसे कि पोमेग्रेनेट होता है, अनार होता है, अनार की समान उसकी होट है वो लाल है, एंड ही हैज लार्ज एंड ड्रीमी आईज, और उसकी आंखें हैं वो बड़ी बड़ी है और एकदम ड्रीमी है, मतलब स्वप्निल उसकी आंखें हैं। ही इज ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, कि वो थिएटर के डायरेक्टर के लिए एक प्ले को फिनिश करने की खत्म करने की कोशिश वो कर रहा है थिएटर के डायरेक्टर के लिए, बट ही इज टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, बट ही इज टू कोल्ड, लेकिन वो इतना ठंड है मतलब उसे इतनी ठंड लग रही है कि वो और अधिक नहीं लिख सकता। वापस से टू टू का यूज है, फर्स्ट टू पॉजिटिविटी दिखाता है, सेकेंड टू नेगेटिविटी, देखो बट ही इज टू कोल्ड, लेकिन उसको इतनी ठंड लग रही है टू राइट एनी मोर कि वो और अधिक नहीं लिख सकता। देर इज नो फायर इन द ग्रेट, कि ग्रेट में, ग्रेट यानी जो अंगीठे, उस अंगीठे में आग नहीं है, एंड हंगर हैज मेड हिम फेंट, और हंगर है जो भूख है वो उसको फेंट बना रही है एकदम, उसको बेहोशी सी छा रही है, उस पे मूर्छा आ रही है हंगर की वजह से, भूख की वजह से। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर, सैड द स्वेलो हु रियली हैड अ गुड हर्ट, कि उस स्वेलो ने कहा कि आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर, कि एक रात और मैं इंतजार करूंगा, मतलब मैं तुम्हारे साथ एक रात है वो और ठहरूंगा। स्वेलो ने कहा हु रियली हैड ए गुड हर्ट, जिसका हर्ट है, जिसका हृदय है वो वास्तव में अच्छा है, उस स्वेलो का। ही आस्क्ड इफ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्लेराइट, ही आस्क्ड, उसने पूछा कि ही शुड टेक अनदर रूबी, कि क्या वो दूसरी रूबी ले जाए टू द यंग प्लेराइट, कि उस युवा प्लेराइट के लिए, उस नाटककार के लिए, क्या मैं दूसरी रूबी है वो ले जाऊं, ऐसा उसने स्वेलो ने बोला कि क्या वो दूसरी रूबी है वो उस युवा प्लेराइट के लिए ले जाए। तो वो राजकुमार है वो बोलता है कि अलास दुख है, आई हैव नो रूबी नाउ, कि मेरे पास अब कोई रूबी नहीं है। सैड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, कि मेरी जो आईज है वही जो है बची है मेरे पास में, कि मेरी जो आंखें हैं वो बस मेरी आंखें ही मेरे पास अब बची हुई है। दे आर मेड ऑफ रेयर सफायर, कि ये जो मेरी आंखें हैं वो रेयर सफायर से बनी हुई है, मतलब दुर्लभ नीलमणि से बनी हुई है। विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 ईयर अगो, जो कि 1000 वर्ष पहले इंडिया से लाई गई थी, मतलब मेरे पास मेरी आंखें ही बची है जिसको 1000 वर्ष पहले इंडिया से लाया गया था। तो ही ऑर्डर द स्वेलो टू प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू द प्ले राइट, ही ऑर्डर द स्वेलो, उसने स्वेलो को ऑर्डर दिया टू प्लक आउट वन ऑफ देम, कि उनमें से एक आंख को निकालने का ऑर्डर है वो उसने स्वेलो को दिया, बबल को दिया, एंड टेक इट टू द प्ले राइट, और उसको प्ले राइट के पास ले जाने का ऑर्डर दिया, मतलब उस नाटककार के पास उसे ले जाने का ऑर्डर दिया कि उसकी एक आंख को निकाले और प्ले राइट के पास ले जाए। ही विल सेंड इट टू द ज्वेलर एंड बाय फायरवुड एंड फिनिश हिज प्ले, ही सेड, उसने कहा कि ही विल सेल इट, वो इसको बेच देगा टू द ज्वेलर, कि ज्वेलर के पास वो इसे बेच देगा, एंड बाय फायरवुड, और वो फायरवुड है जो लकड़ी का जो ईंधन, जो अग्नि जलाने का जो ईंधन है, लकड़ी है, वो उसको खरीद लेगा, एंड फिनिश हिज प्ले, और वो अपना प्ले है वो फिनिश कर देगा, कम्प्लीट कर देगा, पूरा कर लेगा, ही सेड, उसने कहा, हैप्पी प्रिंस ने कहा। आई होप ये चैप्टर इतना आपको क्लियर हुआ है, पढ़ाया हुआ, पसंद आया है, अच्छा लगा है। अगर चैप्टर पसंद आया है, अच्छा लग रहा है, देन चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। बात करते हैं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये जो हैप्पी प्रिंस है उस पे कौन कौन से जो ज्वेल्स है वो लगाए हुए थे, उसकी आंखों के बारे में, तलवार के बारे में, उसकी बॉडी के बारे में, सारा आपको कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताना है। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।